हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज का वीडियो शेयर करूंगी मैं ब्रह्मी प्लांट के बारे में, जो कि ब्रह्मी प्लांट के बारे में वीडियो पहले मैं शेयर कर चुकी हूं, लेकिन अभी का जो वीडियो मेरा है वो उस बारे में है कि ब्रह्मी हम लगाते हैं, लेकिन हम इसको कैसे लगाएं, ब्रह्मी को कैसे लगाएं। तो ब्रह्मी को लगाना बिल्कुल ही आसान है, कोई हार्ड नहीं है, और ब्रह्मी भी हमें अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करके रखना चाहिए। तो मेरे पास पहले से मैंने वीडियो शेयर किया है आपसे कि ब्रह्मी मैं लेके आई हूँ, और अभी मेरा जहाँ मैंने लगाया है वहाँ मेरा ब्रह्मी बहुत ही फैल के बहुत ही ज़्यादा हो गया है। तो मैं और एक जो पॉली बैग हैं उसमें लगाना चाहती हूँ मैं। तो मैंने सोचा चलो वीडियो भी मैं साथ साथ में शेयर कर दूँ के ब्रह्मी को लगाएं कैसे। तो फ्रेंड्स, मैंने अपने जो बड़े पॉट में ब्रह्मी है उसमें से मैंने एक ये पीस लिया है ब्रह्मी का, और मैं बताना चाहती हूँ कि ब्रह्मी आप इसी तरह जो इसकी नोड एरिया है यहाँ से ये बिल्कुल फैलता है, हर तरफ फैलता है और बहुत ही जल्दी से फैल के घना हो जाता है। फ्रेंड्स, आप देखें, और फिर नया नया इसी तरह इसकी बेल फैलती रहेगी और चलता रहता है बेल, बहुत ही इजी और आसानी से लगने वाला ये बेल है। और इसकी आयुर्वेदिक गुण तो आप सभी को मालूम है कि इसमें भरपूर मात्रा में आयुर्वेदिक गुण हैं, तो ये तो मुझे बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं पहले वाला वीडियो में भी बता चुकी हूँ। लेकिन फ्रेंड्स, इसी तरह आपको अगर बेल मिलता है, खाली सिंपल इतना सा आपको एक नॉड मिल जाता है, तो भी एक ही गांठ से भी आप इसको लगा सकते हैं और बहुत ही जल्दी आप घना और बुशी हो जाएगा आपका प्लांट। इसके अलावा फ्रेंड्स, आप ये जो इसका सीड्स हैं, ये इसके सीड्स हैं, जगह जगह पे जैसे जैसे बेल फैलेगी वैसे वैसे आप देखें कि हर जगह पे इसी तरह इसकी बेल भी बनती जाएगी, और जहाँ जहाँ बेल बनती जाएगी वहाँ वहाँ इसके ये सीड्स हैं, तो इसी तरह इसके सीड्स बनता जाएगा। तो अगर आप ये सीड्स लेके अभी ये सीड्स आराम से उग जाएगा, क्योंकि मेरा तो बहुत सारे सीड्स इसके हैं जो नीचे गिरता है और उसी से भी प्लांट बहुत सारा बन चुका है, लेकिन कहाँ कहाँ उसको लगाए, ये फैलता भी तो बहुत जल्दी है। तो इसी तरह आप इसका सीड्स लीजिए, और ये अगर कहीं से भी आपको मिल जाता है, थोड़ा सा सीड्स मिल जाए तो आप इसे लगा दीजिए, तो इसके सीड से भी आराम से लग जाएगा। और इसको मिट्टी क्या, मैं तो लगाई तब से इसको कोई किसी भी तरह का कोई खाद नहीं दी हूँ, क्योंकि ये वैसे भी बहुत फैलता है और खाद दूंगी तो और भी ज़्यादा घना हो जाएगा, तो कहाँ कहाँ उसको लगाएं, इसलिए मैंने सिर्फ इसको मिट्टी, सिंपल मिट्टी दिया है, खाद तो किसी भी प्रकार का नहीं दिया है। लेकिन वीडियो बनाने के लिए मैंने सोचा कि मेरे पास ये पॉली बैग पड़ा था। फ्रेंड्स, आप इसको ज़रूरी नहीं कि बहुत ही बड़ा उसको पॉट चाहिए, आप देखिए इसके रूट बहुत बड़े नहीं होते हैं, छोटे होते हैं, तो छोटे से चाय के कप अगर वेस्ट आपके पास पड़े हैं, प्लास्टिक बॉटल पड़े हैं, तो उसी को भी आप हैंगिंग में भी इसको लगा सकते हैं आराम से, बस इससे ज़्यादा बड़ा रूट्स इसका नहीं होता है। और ये छोटे से छोटे पॉली बैग में या बॉटल में, किसी भी प्रकार के गमले में ये आसानी से लग जाएगा, आपको इसको लगाने की कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, तो इसको आराम से लगा सकते। आप देखें कि मैंने बिल्कुल भी एक छोटी सी बैग लिया है, और मिट्टी तो बिल्कुल ही ये जो मेरे गार्डन सॉइल हैं उसी को मैंने यूज़ किया है, तो गार्डन सॉइल में मैं इसको इसी तरह से इसको दबा दूंगी और फिर थोड़ा सा मिट्टी इसके ऊपर डाल दो, और ये यहीं से अच्छे से अभी तुरंत ये लग जाएगी, उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है लगाने का। तो फ्रेंड्स, इसी तरह आप ब्रह्मी का जो प्लांट हैं वो बहुत ही आसानी से लगाइए और इसको यूज़ करिए, मेडिसिन के तौर पर यूज़ करिए, इसमें ज़्यादा इसकी कोई डर वाली बात नहीं है, ये अपने से भी हम यूज़ कर सकते हैं इसको आसानी से। तो फ्रेंड्स, ब्रह्मी का प्लांट है जो बहुत ही एकदम छोटा बच्चा भी लगा देंगी इसको,
ऐसे ही मिट्टी में छोड़ दो इसको, तो भी ये डेवलप हो जाती हैं और लग जाती हैं, इसको ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है लगाने की। तो फ्रेंड्स, मैं अभी अकेली हूँ, वीडियो ये खास से बना रही हूँ, तो मैं चाहूँगी कि मैं बाद में इसको लगाऊँ, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि इसी तरह इसको लगा दीजिए और ये बहुत ही अच्छे से छोटे कप हो, कोई भी पॉलीबैग हो, बॉटल हो, सभी में आप लगा दीजिए इसको, क्योंकि इसके रूट बड़े नहीं होते हैं, छोटे रूट 1-2 इंच से ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं और आसानी से ये हो जाएगी आपके पास और बहुत ही जल्दी ये हो जाता है प्लांट। तो ये था मेरा छोटा सा वीडियो, और अच्छा लगता है तो लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए फ्रेंड्स, और लाइक तो आप ज़रूर कर ही सकते हैं, उसके पैसे आपको नहीं लगेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।